डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एजुकेशन न्यूज का लिंक है आप वहाँ पे चैनल पे विजिट कीजिए आप वहाँ से इस चैनल का वीडियो देखते हैं अंत तक तो आपको अंत में एक क्वेश्चन मिलेगा आप उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से एजुकेशन न्यूज़ के माध्यम से दस रुपये पेटीएम कैश मिलेगा तो आप एजुकेशन न्यूज़ चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा बहुत छात से छात्र हमसे जुड़ चुके हैं यदि आप कॉलेज अपडेट बाय अजीत बक्सर से नहीं जुड़े हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन बटन और गूगल पे फोन पे से जुड़ जाइए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्क्रीन को पाउस करके देख लीजिए क्या लिखा है आप यदि ज्वाइन मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपका नंबर हम सेव कर लेंगे ताकि आपका कभी भी आगे भविष्य में दिक्कत का सामना न करना पड़े ते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉलेज अपडेट बाई अजीत बक्सर के साथ जैसे कि आपको पता है कि बिहार एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलता है चलिए बता दें कि बिहार बोर्ड आपका जो एन का लिस्ट जारी किया है बहुत से छात्र पास थे और उनका एन में लिस्ट में नाम आ चुका है तो बिहार बोर्ड के साइट से आप लोग डाउनलोड कर भी चुके होंगे एक वीडियो बना था और डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप वीडियो को देख लीजिए उसका बटन आई बटन में यहाँ पे आई बटन होता है इस पर लिंक दे देंगे आप उस वीडियो को देखेगा और उसमें जाकर देखेगा कि आपका नाम आया है या नहीं आया है चलिए एन का जो भी फॉर्म होता है उसको भर आपको बताएंगे इससे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लीजिए गूगल क्रोम खोलने के बाद क्या करना है कि आपको एन सर्च करना है यहाँ पर देख रहे हैं कि एन सर्च कर दिए हैं एन सर्च करने के बाद एन एस पी का पहले आप फुल फॉर्म समझ लीजिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंतर्गत आपका नेक्स्ट सेशन में जब भी आप पढ़ाई करते हैं इंटर पास कर लिए हैं ग्रेजुएसन में यदि कड़ाई पढ़ाई करते हैं तो आपको प्रति ईयर आपको पैसा मिलता है आप एन एस पी के साइट पर हैं एन एस पी के साइट पर आप देख रहे हैं कि एन एस पी के साइट पर आ गए हैं वीडियो अंत तक देखेगा वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है इससे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है थी कि आपका फॉर्म जो 16 से अप्लाई होगा लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्कीस आठ हो गया है अब आपका फॉर्म इक्कीस आठ 2020 के बाद ही अप्लाई होगा लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि लॉग इन और पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है और यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्कीस आठ दो आपका होगा तो आप समझ सकते हैं कि इक्कीस आठ के इधर कुछ भी नहीं होने वाला है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपको जो भी इंट्रोडक्शन होता है दो वीडियो बन चुका है ये तीसरा वीडियो बन रहा है आप दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से आई बटन में जाकर वीडियो को जरूर देखेगा एक्चुअली आपको बताते हैं कि इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यहाँ से देख रहे हैं कि सोलह अगस्त से स्टार्ट हो गया है और पहले हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन ऊपर देख रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं सिंपल से आपको नीचे जाना है नीचे जाने के बाद यहाँ पर जो भी ये हाउ टू अप्लाई का जो इंट्रोडक्शन दिया है कि आपको कैसे भरना है फॉर्म को यह भर लेना है ये इसको पढ़ लेना है पढ़ने के बाद आपका जो भी नियम है इससे पहले आपको एक वीडियो बनाकर हम बता दिए हैं कि आपको स्टेट का डोमिसाइल होना अति आवश्यक है और स्कॉलरशिप का कैटेगरी क्या है तो आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है इसके बाद यहाँ पे जो भी आए आप पढ़ लीजिएगा पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपल सा नीचे आना है कि मैं निम्नलिखित के लिए सहमत हूँ आपको इस पर क्लिक करना है बॉक्स पे इसके बाद यहाँ पे नीचे दे रहा है कि मैं पंजीकरण के लिए और ये नीचे तीन बॉक्स है तीनों बॉक्स पे आपको क्या करना है कि क्लिक करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है चलिए कंटिन्यू पर क्लिक कर दिए कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आप आपको क्या करना है कि जो एकेडमिक ईयर देख रहे हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2020 से 21 अब इस फॉर्म को हम क्या करेंगे कि फ़िलअप करेंगे चलिए फिलअप करके आपको बताते हैं सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पे कि आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आपका डोमिसाइल क्या है स्टेट का नाम भरना है इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट डालना है इसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ डालना है इसके बाद यहाँ पे देख लें कि स्कॉलरशिप कैटेगरी क्या है वो आपको डालना है यहाँ पे स्कीम टाइप क्या है वो आपको डालना है यहाँ पे जेंडर क्या है वो आपको डालना है इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और बैंक का आईएफएससी कोड और बैंक का कन्फर्म आईएफएससी कोड करना है यहाँ पे इसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर और कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है इसके बाद बैंक का नाम डालना है इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास आइडेंटिफिकेशन डिटेल मांग रहा है यदि आपके पास बैंक अकाउंट और आधार कार्ड है तो यहाँ पर डालना है इसके बाद कैप्चा डाला है चलिए फॉर्म को स्टार्ट करते हैं और भर के आपको बताते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डोमिसाइल स्टेट में यहाँ पे स्टेट का नाम डाल दिए हैं इसके बाद स्कॉलरशिप में आपको क्या करना है कि देखिए इस पर आपको क्लिक करना है तो यदि प्री मैट्रिक यानी एक से दस तक का भरना है तो प्री मैट्रिक कर सकते हैं इसके बाद पोस्ट मैट्रिक आपको करना है तो पोस्ट मैट्रिक पर क्लिक कीजिएगा इसके बाद नाम डालिएगा नाम डालने के बाद स्कॉलरशिप जो स्कीम है यहाँ पे स्कॉलरशिप करिएगा इसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज करने का ऑप्शन देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे चूज करना है डेट ऑफ बर्थ चूज करने से पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगस्त दो लिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद ये दो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी लाइट साइड में आपको जिधर जाना है यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दिख रहा है इधर आपको क्लिक करते जाना है आपको साइड रोड में चले जाएंगे यहाँ पे 2001 हजार सेलेक्ट करना है इसके बाद इसके बाद हमको मार्च मार्च कर लिए इसके बाद 12, 12 कर लिए इसके बाद क्लिक कर दिए यानी 12, तीन 2001 हो गया इसके बाद यहाँ पे जेंडर जो है जेंडर भी हम चूज कर लिए हैं जेंडर चूज करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इसके बाद बैंक का आई कोड भी डाल दिए हैं इसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे कन्फर्म भी कर दिए हैं दोबारा डाल के जब भी आप अकाउंट नंबर डालते हैं तो आपके सामने यहाँ पे बैंक का नाम आ गया है यहाँ पे हमको डालना नहीं है स्टेट बैंक का नाम आ गया है इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आधार नंबर जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चूज द ऑप्शन पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट का आधार नंबर भी जो भी है अकाउंट का आपका अकाउंट नंबर वो भी डाल सकते हैं और आधार नंबर भी डाल सकते हैं तो चलिए हम आधार नंबर ही डालेंगे आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आधार नंबर टाइप करेंगे जल्दी से तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आधार नंबर भी डाल दिए हैं आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो केपच्चा देख रहे हैं इस इसकेप्चा को आपको क्या करना है कि फिलअप करना है यदि आप इस इसकेप्चा को पहचान नहीं पा रहे हैं तो यहाँ से रिलोड कर दीजिए यहाँ पे एक बार क्लिक करने के दूस दूसरा आपके सामने केपचा के देखिए फ्रेश आ गया केपचा इसके बाद इस, इस केपचा को हम फिलअप करेंगे चलिए फिलअप करते हैं इसके बाद कैपिटल वी और कैपिटल एक्स और कैपिटल आर और आठ यहाँ पे एट और ए डाल दिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि नीचे आपको आना है जो बॉक्स दिखा रहा है इस बॉक्स पर क्लिक करना है चलिए बॉक्स पर सभी पर क्लिक कर दिए क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको एक बार फिर से मिलान कर लेना है मिलान करने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे रजिस्टर पर क्लिक कर देना है चलिए रजिस्टर पर क्लिक कर दिए रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर यह यहाँ से देखिए नेभर और सेव भी है तो यहाँ से यदि आपका मोबाइल है तो सेव भी कर सकते हैं नेभर भी कर सकते हैं तो चलिए हम नेभर कर दिए नेभर करने के बाद आपके सामने जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा इसको क्या करना है कि आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है पहले तो चलिए इसका स्क्रीन शॉट ले लिए ताकि आपको भविष्य में कभी भी काम आए तो ये एप्लीकेशन नंबर आपके सामने रहे अब चलिए इसका हम स्क्रीन शॉट ले लिए स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको क्या करना है कि कंटिन्यू पर क्लिक करना है चलिए कंटिन्यू करना पर पर है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जा रहे हैं तो नीचे जाने पर जो भी आपका यूज़र आई है उसको हम यहाँ पर डालेंगे चलिए डाल देते हैं यहाँ से तो ये दूसरा लॉग हुआ है यहाँ से चलिए हम दूसरा डाल देते okay. हैं जल्दी से अब देखिए आपको क्या करना है कि पासवर्ड में जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था इनका डेट ऑफ बर्थ बारह इसके बाद स्लैश जीरो इनका तीन महीना यानी मार्च था इसके बाद इनका 2001 था यानी जैसे भी आपका डेट ऑफ बर्थ था ऐसे ही आपको पासवर्ड में फिलअप करना है तो चलिए पासवर्ड में फिलअप कैसे करना है आपको बताते हैं जैसे मैं इनका सबसे पहले 12 था तो चलिए 12 क्लिक कर दिए इसके बाद आपको क्या करना है कि ये आप सामने ऐसा एक स्लैस होता है स्लेश आपको डालना है चलिए स्लेश यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी सी नीचे लिखा है इसके ऊपर है और इसके बाद जीरो तीन फिर स्लेश दो एक डाल दिए डालने के बाद अब आप आपको क्या करना है कि केपचा जो है केपचा फिलअप करना है चलिए केपचा को फिलअप करते हैं और यहाँ पे यू सी ए और ओ और यू और एक डाल दिए इसके बाद लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पे नेवर सेव का ऑप्शन आ गया इसके बाद इसको नेवर करेंगे नेवर करने के बाद आपके मोबाइल पर गया है ये ओ टी पी फिर से मोबाइल पर और ईमेल पर आपके पास ओ गया है तो चलिए उस ओ को हम यहाँ से डालते हैं यहाँ पे देखिए आप नंबर भी चेंज कर सकते हैं रिसेंट ओ का भी ऑप्शन है और कन्फर्म ओ का भी ऑप्शन है ओ आता है तो कन्फर्म ओ पर क्लिक करना है यदि आपके पास मोबाइल पर ओ नहीं जाता है तो रिसेंट ओ पर क्लिक करना है और मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ से मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं तो चलिए मोबाइल पर मैसेज नहीं जा रहा है तो रिसेंट ओ फिर से कर दिए हैं और ये मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा तो जो भी पाँच नंबर का डिजिट जा रहा है यहाँ पर हम फिलअप करेंगे जैसे ही आपके पास ओ आता है आपको कन्फर्म ओ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन होगा जो क्रिएट पासवर्ड का यानी चेंज पासवर्ड का ऑप्शन होगा तो आपके पास पासवर्ड कैसे बनाना है ये आपको बता देते हैं चलिए पासवर्ड बनाने के लिए आपको एक आसान विधि बताते हैं जैसे आपका नाम है किसी भी नाम से स्टार्ट होता है ए बी सी डी जैसे इनका एम से स्टार्ट होता है कैपिटल में एम रखेंगे सबसे पहले कैपिटल में एम रखेंगे इसके बाद जो भी आपका डिजिट हो एक दो तीन चार पाँच छः और जो भी आपका डिजिट हो ये पांच डिजिट रख दीजिएगा इसके बाद चलिए आपको एक उदाहरण के तौर पे बना देते हैं जैसे पासवर्ड एम इसके बाद एक दो तीन चार पाँच ये आपका हो गया इसके बाद आपको क्या करना है कि एम जो डाले हैं इसके बाद स्मॉल एम यहाँ पे कर दीजिएगा ये पासवर्ड बनाने का आपका एक आसान विधि बताते हैं जो कहीं भी फॉलो करेगा इसके बाद जो ऐट द रेट होता है ऐट द रेट को लास्ट में डाल दीजिएगा चलिए पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं ऐसे ही पासवर्ड बनेगा सबसे पहले कैपिटल रखिएगा अल्फाबेट इसके बाद एक दो तीन चार पाँच जैसे भी यहाँ पर कोई भी डिजिट हो सकता है एम की जगह कोई भी और एक दो तीन चार पाँच की जगह कोई भी इसके बाद स्मॉल एम रख दीजिएगा और द रेट रखिएगा चलिए पासवर्ड को क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पासवर्ड के सामने अस्ट्रॉन्ग लिख दिया है यानी ये पासवर्ड अस्ट्रांग है कोई भी तोड़ नहीं सकता है इसके बाद आपको क्या करना है कि सबमिट बटन पे क्लिक करना है सबमिट बटन पे क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपके सामने नया इंटरफेस हो गया है जो सामने दिख रहा है कि वेलकम मदन कुमार एप्लीकेशन आई जो है आपके सामने आप स्क्रीन पर दिख रहा है अब देखिए अब आपको क्या करना है कि ये वेरीफाइड हो जाता है आपके सामने स्कूल से देखिए एप्लीकेशन वेरीफाई यदि आपके कॉलेज और इंस्टिट्यूट से वेरीफाई हो जाता है यहाँ पे यस हो जाएगा और आपका आधार वेरीफाइड हो गया यहाँ पे यस लिख दिया है अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट जो आपका वेरीफाइड हो जाएगा तो यहाँ पे यस लिख देगा यदि आपका स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट यस यहाँ पर लिख देगा और आपका यहाँ पर जो भी नो है यहाँ पर यस हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि आपका पैसा खाते में आ जाएगा अब चलिए होप आपको समझ में इतना आ गया होगा कि यूजर आई और पासवर्ड कैसे बनाना है तो आप जल्दी से इतना काम जैसे जैसे बताएँ हैं आप इतना काम कर लीजिए इसके बाद नेक्स्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए इस चैनल पे आपको वो भी वीडियो जल्द ही प्रकाशित करेंगे तो आप अंत तक उस वीडियो को देखिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएगा जाइएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर